में लाइट की बहुत ज़्यादा हाईली रिक्वायरमेंट थी। तो देखो लाइट की कंडीशन, अभी इसका बंपर खोल दिया, साथ के साथ और भी काम हो रहा है। तो पूरी गाड़ी में लाइट की मॉडिफिकेशन होने के बाद आपको एक बार दिखाएंगे कि कैसी इसकी थ्रो है। मेन है कि थ्रो कैसा है, जो मकसद है इस गाड़ी में लाइट लगाने का वो पर्पज़ सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखो कब से रूट्स के फॉरन डाला गया हुआ है वो इसमें, और इसमें हुटर भी है, और इसमें प्रोजेक्टर वाली लाइट लगाने के साथ हम लोग डेमा नहीं डालेंगे, फिर देखते हैं इसका लुक कैसी निकल के आ रही है। पूरी गाड़ी की कंडीशन देखो अभी साथ के साथ, इसमें डैम्पिंग भी होना बाकी है। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, ताकि आप अपनी किसी भी गाड़ी की मॉडिफिकेशन कराओगे तो काफ़ी अच्छे से होगा। देख सकते हो वायरिंग भी नहीं डाली जा रही है, क्योंकि ओल्ड वाली वायरिंग सारे गल चुके हैं। तो गाइस रिट्स के इंटीरियर देखो, अभी देख सकते हो कंडीशन क्या है। इसमें डबल लेयर की डैम्पिंग होगी। इंटीरियर के हालात देख के आप बता सकते हो कि गाड़ी में किस लेवल का काम होने वाला है। डैशबोर्ड देख सकते हो फ्रिश, इस गाड़ी को रीन्यू लुक की बहुत ही जरूरत है। और देख सकते हो गाड़ी काफी पुरानी हो चुकी है, और इसे न्यू लुक के बाद कैसी लगेगी। यहाँ देख सकते हो छत को भी हटाया कि छत के डिजाइन को भी चेंज करेंगे। तो बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली गाइस, लास्ट तक देखना। और साथ के साथ प्रोजेक्टर तो अपना एम है ही है, जिसमें बढ़िया वाली डेमेनाइल लगाने वाले हम। तो अभी गाड़ी में काम होने देते हैं, उसके बाद फाइनल लुक आपको चेकआउट कराता हूं मैं। तो गाइस ये वाली अपना रिट्स का सेटअप है, और इसमें स्क्वायर वाले हम प्रोजेक्टर डाल रहे हैं। इस लाइट की पूरी मॉडिफिकेशन हो रही है, जिसमें हम डाल रहे हैं प्रोजेक्टर वाली लाइट, साथ में इसमें चल जाएगी HID। अभी लाइट की कंडीशन इधर का देख सकते हो, ये अपनी HID वाली लाइट है, और इसकी सील पैक वैसे ही करेंगे जैसे सारी लाइटों में करते आ रहे हैं। इसे साथ के साथ डीक्रोम भी कर रहे हैं, डीक्रोम में देख सकते हो ये हमें डीक्रोम कर दिया, और इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। देख सकते हो इसकी शाइन ग्लॉसी ब्लैक वाली डीक्रोम की जा रही है, और साथ के साथ अपना दूसरा पेयर भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हम इस वाली लाइट को किस लेवल के बनाने वाले हैं। तो एक बार देख सकते हो कंडीशन इसकी। तो रेड थीम पे गाइस गाड़ी की इंटीरियर रखी जा रही है, और सीट कवर की देख सकते हो फिटिंग बिल्कुल बकेट वाली, और बढ़िया क्वालिटी के सीट की फिटिंग की है। डुअल स्टिचिंग मैं हमेशा ही प्रेफर करवाता हूँ किसी भी गाड़ी में। हेडरेस्ट इसका हेड वाली रेस्ट की फिटिंग बाकी है, जो कि होगा ब्लैक में, वहाँ पे उसकी साइड की टुकड़ी पड़ी हुई है। देख सकते हो ये वाली फिटिंग की है। एक बार सीट कवर की क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो साइड में प्रॉपर एज टू एज वाली फिटिंग की है, और रेड थीम पे हम इस गाड़ी को तैयार करें। दूसरा सीट यहाँ पे, तो जो बकेट वाली सीट होती है उसे प्रॉपर खोल के फिटिंग की जाती है, ताकि आपकी गाड़ी की जो फिटिंग आए वो काफ़ी अच्छी आने वाली है। एक बार सीट कवर की क्वालिटी आप देख पा रहे हो, मैक्सिमम वीडियो में आपको क्लियरली पता चलेगा कि इसकी स्टिचिंग कहाँ है। एक भी आप वीडियो में बबल्स नहीं दिखा सकते कि गाड़ी में कहीं सीट कवर में कहीं भी आपको बबल्स दिख जाएगा। वैसी फिटिंग होने के बाद जो गाड़ी में लुक निकल के आएगी रेड थीम पे, जो हम गाड़ी को तैयार करें वो आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर सेम काम कराना होगा तो आपको आना है लक्ष्य कार डिकोर पे, लाल भाई का सेटअप है। और एक बार गाड़ी में लगने के बाद दिखाते हैं, फिर आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि अगर आपको सेम काम कराना है तो कैसी गाड़ी की आपकी लुक निकल के आने वाली है। तो गाइस अपना देख सकते हो रूफ को रैप करें, ग्लॉसी ब्लैक वाली क्वालिटी है, और ये पूरी रूफ की हाफ तक यहाँ तक रैप कर दी जाएगी, उसके बाद गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा निकल के आने वाला है। एक बार गाड़ी क्लीन होगी नीट एंड क्लीन, उसके बाद देखना। अभी इंटीरियर में काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, फुल डैम्पिंग होंगी और सारे देख सकते हो रूफ इनसाइड का, और अभी का कंडीशन देखो। तो फटाफट से इसकी मॉडिफिकेशन कंप्लीट होने देता है, उसके बाद का लुक चेकआउट करा सकता हूँ। देख सकते हो कितने टाइम बाद इसकी मॉडिफिकेशन हो रही है, पूरी रस्टिंग खा चुकी है गाड़ी। एक बार मॉडिफाई होने के बाद गाड़ी का लुक देखना कि कैसे नेक्स्ट लेवल की आने वाली है। और साथ के साथ अपना साइड मिरर ORVM को भी हम ग्लॉसी ब्लैक में रैप कर रहे हैं, कि ताकि बिल्कुल पेंट की जैसा लगे कॉपी। देख सकते हो यहाँ पे हेडलाइट की फिटिंग कर दी गई है, जो कि आफ्टर मार्केट, और इसे पूरा इनसाइड इसको स्मोक ब्लैक जो कहते हैं पियानो ब्लैक कर दिया गया, ताकि प्रोजेक्टर का जो लुक है वो काफ़ी अच्छे निकल के आने वाली है। और नीचे देख सकते हो रिंग वाली जो DRLs के साथ में फॉग लैंप आता वो लगाया है रिड्स में। और ये हेडलाइट खास करके हमारा फोकस है कि जिन गाड़ी में आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलता उसमें आप ऐसा प्रोजेक्टर लगा सकते हैं। इसमें इसके साथ की रिंग जो डल रही है DRLs का काम कर रहा है, वो काफ़ी अच्छी लुक निकल रही है। गाड़ी राइट साइड में भी फिटिंग चल रहा है साथ के साथ। एक बार गाड़ी की पूरी बोनट बंद करते हैं, फिर इसका थ्रो चेकआउट कराता हूँ कि कैसी लुक आने वाली है रिड्स की। फाइनली हेडलाइट की मॉडिफिकेशन हो चुकी है रिड्स में, और एक बार हेडलाइट की लुक देख सकते हो। साथ में हमने डेमा नाइट लगाया था, और इसमें प्रोजेक्टर डाला जो कि IPH का, और नीचे आपको फॉग लैंप दिख जाएगा। डेमा नाइट आपको दिखाऊं, इसमें साथ के साथ आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। और जो प्रोजेक्टर देख रहे हो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर वाली जो व्यूज़ आ रही है, उसका रीज़न है कि इसमें हमने ग्लॉसी ब्लैक में इसे ग्लॉसी ब्लैक जो स्मोक बोलते हैं पूरा हमने इसको खोल के स्मोक किया है। ये कौन सी ब्रांड के प्रोजेक्टर डाले हैं? IPH कंपनी का है, और प्लस इसमें लोग बोलते हैं IPH में डिमन आई नहीं लगता, हमने इसमें डिमन आई भी लगा के दिखाया है। भाई इसमें डिमन आई डाला हुआ, और साथ के साथ कलर चेंज हो जाएगा आपके एप्लीकेशन से और रिमोट से। ये अपना राइट साइड का व्यूज देख सकते हो भाई, कितनी बढ़िया निकल के आ रही है। और इसका रिंग देखो कितना ब्राइट,
काफ़ी क्लियर व्यूज आ रही है। एक बार इसका लाइट जलाओ। बेनिफिट ये है जो आपका DRL का भी काम करेगा प्लस डिमन आए कस्टमर को, दोनों लोग एक साथ ही मिलेंगे। एक ही साथ दोनों DRL वगैरह लगाते हैं ना, DRL की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। तो इन साइड आपको DRL वाली फील आएगी और काफ़ी अच्छी लुक निकल कर रही है। इसका थ्रो मेन थ्रो चेकआउट करते हैं, एक बार लाइट जलाओ थ्रो दिखाते हैं। और गाइज ये देख सकते हो नाइट में ये हाई बीम है, ये हाई ये लो। तो कुछ तो गाइज अपना जैसा कि मैंने दिखाया था रेड एंड ब्लैक के थीम पे पूरी इंटीरियर को सजा दी गई। डोर्स के पैनल देख सकते हो सॉफ्ट टच में, साइड पैनल्स को हमने सेम सीट कवर वाली क्वालिटी से हमें इसे फिनिशिंग दिया जो कि डुअल टोन में बन जाता है रेड एंड ब्लैक, जो कि फायर रेड बोलते हैं इसको। और डैशबोर्ड देख सकते हो फायर रेड से कवर किया है, साथ के साथ ब्लैक इंसर्ट जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे डाला गया है 7D मैट डुअल स्टिचिंग कह सकते हो मैरून थ्रेड में। और ये अपना सीट कवर पूरे, एक बार डैशबोर्ड देखो, स्टेयरिंग की रैपिंग भी की गई है बिल्कुल टॉप मॉडल वाले डिज़ाइन, वो भी रेड कलर से। तो मतलब रेड ब्लैक काफ़ी ज़्यादा चॉइस था कस्टमर का, तो उसके हिसाब से बनाया पूरे डैशबोर्ड का। ये वाली डैशबोर्ड गाइज इससे काफ़ी कंप्लीमेंट कर, साथ के साथ 9 इंच के टच स्क्रीन ऐड किया एप्पल कार प्ले के साथ। बहुत सारे टच स्क्रीन का दिखाया, लेकिन एक ओवरव्यू देखो इस रिट्स गाड़ी को कहाँ से कहाँ तक बना दिया, काफ़ी ज़्यादा कंप्लीमेंट करे। रेड कलर के सीट कवर साथ के साथ स्टेयरिंग, और एक बार रियर का सीट कवर देख सकते हो यहाँ से, ये रियर की है। और बबल फ्री रिंकल्स फ्री जिसे बोलते हैं, कोई क्रीचेज नहीं है। और ये हेवी सीट, सबके हेडरेस्ट लास्ट में फिटिंग की जाएगी, फिनिशिंग है वो बाकी है। रूफ देख सकते हो फुल्ली ब्लैक रखा गया, और जो पहले का रूफ का आता है वो आपको पता है मुमन मारुति में जो हैंडल का कलर है वही सेम आता है, लेकिन इसे ब्लैक थीम में मेंटेन करना था रेड एंड ब्लैक, तभी जाकर डुअल टोन इंटीरियर बन सकती है। गाड़ी देख सकते हो पिलर बी कितने अच्छे से फिनिशिंग है, यहाँ पे पिलर ए देखो इसे भी रेड कर दिया है। और साथ के साथ गाइज इसमें एम्बियंट लाइट की फिटिंग चल रही है, जो इसकी फिटिंग होने के बाद मैं एक बार एम्बियंट लाइट का भी लुक दिखाऊंगा। एम्बियंट लाइट का फाइनल टच दे रहा है जो कि अपना K3 वाला एम्बियंट लाइट होने वाला है, तो उसकी एक बार लुक चेकआउट कराता हूँ। तो ये देखो गाइज एम्बियंट लाइट रियर डोर में, और ये आपको दिख जाएगा ब्लिंक होता हुआ। आप जितना जैसा मर्जी है रिमोट से एप्लीकेशन से चेंज कर सकते हो, हालांकि कंपनी आजकल एप्लीकेशन दे रही है कि रिमोट खो जाता है। और ये डैशबोर्ड देखो कितना बढ़िया, कितना प्रीमियम। और ये है इसका रियर लुक, जो कि रियर में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर ऐड हुआ है इस वाली गाड़ी में, क्योंकि ज़्यादा कुछ आता नहीं है रियर से ऐड करने के। इवन ऑप्शन है यहाँ पे, आप रिफ्लेक्टर के साथ साथ रियर का डिफ्यूज़र ऐड कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया लगेगा इस रिड्स में। तो ये कस्टमर की चॉइस थी रियर से। व्यू कैसी लग रही है रिड्स की, काफ़ी दिनों बाद अपने चैनल पर आई है। और गाइज फ्रंट से देखो कहर लुक है, बिल्कुल कहर, पहले का आपको दिखाया था कंडीशन गाड़ी बिल्कुल गल चुकी थी, और उसे फाइनल मॉडिफिकेशन कर दिया हेडलाइट के साथ, जो कि काफ़ी कंप्लीमेंट कर रहा है और एक अलग सा लुक इन्हांस हो जाता है। जो प्रोजेक्टर है लुक तो इन्हांस कर ही रहा है गाड़ी की, लेकिन साथ के साथ इसके थ्रो है वो नेक्स्ट लेवल है, जो कि मैंने आपको रोड पे दिखाया। रोड प्रेजेंस इसकी कैसी है आपको कमेंट्स करके बताना है। और विजिबिलिटी गाइज नेक्स्ट लेवल है, जो ये आफ्टर मार्केट वाली प्रोजेक्टर है बिल्कुल ब्रांडेड होता है, IPH है। ऑटो की बहुत सारे लाल जी के पास ऑप्शन है, आप किसी भी मॉडल की गाड़ी हो, कोई सी गाड़ी हो, आप प्रोजेक्टर लगवा सकते हो। गाइज कमेंट्स करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर सेम काम कराना है तो आना है लाल तिवारी के पास, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। गाइज वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर देना, ताकि कार से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।